और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जहां पर मस्जिद में अवैध निर्माण पर अब नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। मस्जिद में अवैध निर्माण पर नगर निगम कोर्ट का फैसला आने के बाद मस्जिद के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। 30 दिन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल सकता है। तो ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर है। हिमाचल के मंडी में स्थित मस्जिद का जो निर्माण है उसके एक बड़े हिस्से को अवैध करार दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, और इसी के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। नगर निगम के जरिए बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। एक समय के अंदर, एक म्याद के भीतर जो अवैध निर्माण है उसे हटाना होगा, गिराना भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बुलडोजर एक्शन लेगा। और गणेश उत्सव के साथ शुरू हुआ पत्थरबाजी का सिलसिला ऐसा है कि जो रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी आग में अब अलग अलग राज्य सुलग रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी चेतावनी और धमकी तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। त्योहार पर माहौल खराब करने की साजिश की तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नंदुरबार की हैं, जहां गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। कुछ घरों में आगजनी की गई, एलपीजी सिलेंडर जलाने की भी कोशिश हुई और कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। आरोप है कि गुरुवार को ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की, जिसके बाद नारेबाजी करने वाले और जुलूस में शामिल लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। अब तस्वीरें देखकर हालात का अनुमान लगा सकते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 21 पुलिस वाले घायल हो गए। तस्वीरें ऐसी ही कर्नाटक से भी हैं, जहां गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। कर्नाटक के दावणगेरे शहर में धार्मिक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच में पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक गणपति विसर्जन का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रहा था, तभी 2-3 पत्थर जुलूस में फेंके गए, जिसके बाद दावणगेरे के अनेक कोंडा इलाके से कुछ घरों और वाहनों पर पथराव किया गया। अलग अलग शहरों में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे ने नाराजगी जताई और चेतावनी दी। फीक देना रे आम्ही लोक आहोत का? कुठले तर आम्ही सांगतो, या चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा, आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। बीजेपी नेता की चेतावनी पर AIMIM ने भी धमकी दी। वारिस पठान, वारिस पठान शब्दों की मर्यादा तक भूल बैठे। देखिए, भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है, ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे। देश का माहौल खराब करने की कोशिश के बीच कांग्रेस ने पूरे मामले को महाराष्ट्र चुनाव से भी जोड़ दिया। हनुमान जयंती जब हम मनाते हैं तब कोई दिक्कत, रामनवमी बनाते हैं तब दिक्कत, मुहर्रम होती है तब दिक्कत, ये कैसा निजाम आ गया है साहब? 10 साल से ये हो रहा है लगातार, क्यों? कर्नाटक में भी सर हुआ है, माहौल तो इन्होंने बनाया ना। और कर्नाटक में होता है तो कहते हैं साहब तालिबानी शासन है, और आपके महाराष्ट्र में हो रहा है तो क्या है, कौन सा शासन है, बताइए जरा। पिछले 2 दिनों में ही देश के अलग अलग जिलों में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव की कई घटनाएं हुई हैं। गनीमत रही कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए ये एक बेहतरीन सियासी मौका है, और वो लगातार ऐसी घटनाओं पर निगाह जमाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।